इवेंचुअली वहां पे चले गए थे किंग किंग बर्फी, किंग बर्गर, शीफा तक आगे। शीफा तक कढ़ाई टिक्का। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है वसीम भाई? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। वसीम भाई हम किधर आए हैं और आप कोई स्पेशल बंदे से मिलाना? सर आज हम आपको एक स्पेशल बंदे से मिलाना चाह रहे हैं, हमारा एक बड़ा जिगरी यार है जो हर दफा मिस होता था। ये देखें ये भाई है। ये किसी जो है मोहताज नहीं है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बंदा बंदा इनको जानता होगा, गड़ी होगा, गड़ी होगा। ये हमें इधर लेके आए, इन्होंने कहा था यार बड़ी देर, बड़ी देर से आपकी दावत पेंडिंग है, तो आज ही हमें लेके आए। लेके किधर आए? ये हमें हॉलीज में लेके आए हैं। ये हमें हॉलीज में लेके आए और अब हम देख रहे हैं कि हॉलीज में हम क्या खाएंगे। ये भाई अंदरून यूरोप से आते हैं, अंदरून यूरोप सादकाबाद, सादकाबाद से आते हैं। ये पंजाब के एक अंदूर शहर में यूरोप से है, उस यूरोप में एक सादकाबाद है उसमें ये रहते हैं, तो वहाँ से ये आते हैं। तो ये आए हैं आज हमारे पास स्पेशल बात मैंने। ठीक है, मैं अंदरून यूरोप से आता हूँ। अंदरून यूरोप काफ़ी बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं यूरोप जाने की, आप सब दुआ करें कि काफ़ी बाहर चले जाएं, पर अब जा नहीं पा रहे, बहुत कोशिशें कर रहे हैं। अभी हम एक और भाई का इंतजार कर रहे हैं, वो आते हैं। वो देखे भाईजान, ये हमारा वो लाली भाई आ रहे हैं, वो नीचे खड़े होंगे अगर आपको नज़र आ रहे हो तो। लाली भाई अभी ऊपर आ रहे हैं, तो बाकी इंशाल्लाह आपको हम लाली भाई से मिलवाते हैं। लाली भाई हमारे मिस हो रहे थे, आज हमारे एक भाई मिस है शानी भाई, वो आज हमारे मिस है। तो आज हम वैसे आए ये हॉडी पे हुए, और बाकी फिर इंशाल्लाह हम आपको मिलाते हैं। वो लाली भाई हमारे गायब हो गए हैं, पता नहीं किधर गए, वो आते वगैरह हम उनसे मिलवाते हैं। ये हम एमएम आलम रोड पे हैं, एमएम आलम रोड पे हॉडीज पे आए हुए हैं, तो बाकी इंशाल्लाह आपको बताते हैं, और बाकी गेट टुगेदर का आपको फिर इंशाल्लाह अपडेट देते हैं। ये भजन हमारे आखिरी भाई रह गए थे, ये भी आ गए, ये भी आ गए। अभी हमारा एक भाई नहीं आया इस बार, इस बार जो उनसे है वो शानी भाई मिसिंग है, शानी भाई को जरा ज़रूरी काम था तो वो आए नहीं है। और ये स्पेशल भाई जो उनसे है ना हमारे सादकाबाद से दूर से हमें मिलने के लिए आए हैं, इनकी वजह से ना सारा प्लान जो था ना हमारा हर बारी चौपट हो जाता है। पर अब वसीम भाई ने इनको घेर ही लिया किसी तरह, इधर उन्होंने खुद ही कहा था इधर हम इधर आ गए सोच में पड़े। अब हम ये सोच में तो बैठ गए, क्योंकि भाई जरा 600-700 रुपये का एक एक बर्गर है, तो भाई सोच में तो पड़ गए। पर अब देखते हैं, जो भी ट्राई करेंगे आपको इंशाल्लाह बताएंगे कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ओके भाई, बाकी चलो बात बताते हैं। ये देखिए, इसलिए हम इन भाइयों के साथ नहीं आते। ठीक है, वो हमने मेन्यू वगैरह की तस्वीर खींची है, और ये भाई जो उनसे है ना वो सादकाबाद से मुकर गए हैं। ये सादकाबाद से आके हमें मुकर गए खिलाने पे, ये भाई नहीं एंड टाइम पे मुकर गए। तो मेरे हाँ जी टीचर रख लिया मैंने, पर अब हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह अब हम कोई देसी फूड खा के खाएंगे। अब हम आपको बाहर जाके देसी फूड जाके खिलाते हैं, बत्ती बत्ती की टिकियां। ये आप साहब लगा ले मेन्यू देख के, भाई पूछ रहा बत्ती वाला बैठा होगा, बत्ती की टिकिया खिलाने पे राजी हो गए और हॉडी से मुकर गए ये भाई। आज हम गए थे हॉडी से, हॉडीज पे गए थे, और फिर वहाँ पे भी जोन सा है हमने कुछ नहीं खाया। और फिर हम वहाँ से होके कहीं और चले गए, और फिर हम मटन टिक मटन शीफा तक शीफा तक कढ़ाई टिक्का। हाँ, हम इवेंचुअली वहाँ पे चले गए थे किंग बर्फी, किंग बर्गर, किंग